वैष्णो देवी में भगदड़ और इस भगदड़ की वजह से 11 श्रद्धालुओं की मौत की खबर अब तक मिल रही है। तो दोस्तों ये हमारे खिलाड़ी थके नहीं है, रास्ता भी और भी है लंबा अभी तो है। क्या भैया अभी तो चढ़ाई शुरू हुई है तो तुम्हारी होगा पर हमने पहला बार पहचाना। अरे यार हाँ भी ये भी है अभी दोस्तों यहाँ पे निःशुल्क हलवे का प्रसाद मिलता है। वहाँ से लेकर तो दोस्तों फाइनली हमने चढ़ाई कंप्लीट कर ली, दर्शन कर लिए हैं और दर्शन बहुत अच्छे हुए। और हाँ भाई साहब हो गए थे, हो गए दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। और रात को कुछ ट्रेजिडी हो गई जो कि हम चाहते थे हम अपना जो दर्शन है सुबह सुबह करें आरती के टाइम पे 4 बजे, बट अब मैं कभी अभी बताऊंगा थोड़ी देर में रुक के कहीं पे कि कल रात हुआ क्या था। वीडियो एक्चुअली आप सभी ने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पे जो भी वैष्णो देवी पे एक्सीडेंट हुआ और ट्रेजिडी हुई उस टाइम पर हम वहीं पर थे। तो मैं और मेरे फ्रेंड ने देखा था कि सामने से बेंचेस आ रहे थे जिसमें लोग थे और एम्बुलेंस आ रही थी, तो हमको लगा कि शायद जितना क्राउड है तो भीड़ के कारण वहाँ पे सब बेहोश हो गए होंगे या फिर किसी की तबीयत खराब हो गई होगी। बट जब वहाँ पे जब ऑफिसर्स थे वो सब भीड़ को क्राउड को मना करने लगे कि आप सब घर पे चले जाइए क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड था कि जो कि मैनेज करना मुश्किल हो गया था। फिर हम दोस्तों ने ये डिसीजन लिया कि अगर अब हम यहाँ रुकते हैं तो हम भी इस भीड़ का शिकार हो जाएंगे। तो हम दोस्तों ने डिसीजन लिया कि हम कहीं स्टे कर लेते हैं यहीं पे आसपास। तो मैं और मेरे फ्रेंड ने वहाँ पे स्टे किया और एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहाँ पे हम तीनों सो गए कि हमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी वापसी आने की और वहाँ पे दर्शन भी बंद हो चुके थे। तो हम वहाँ पे स्टे किया और हम सो गए कि अगर जब आप खुलेंगे तो देखेंगे कि करना क्या है। तो पूरी रात यही चलता रहा कि और जो भी भीड़ थी और एम्बुलेंस का आना जाना, लोगों का जो भी डेड बॉडीज आ रही थी, यही पूरी रात चलता रहा। फिर अराउंड 6 o'clock मॉर्निंग मेरी आँख खुली, मैं बाहर आया और तो देखा कि दर्शन फिर से स्टार्ट हो गए हैं और लोग भी वो जो भी सिचुएशन थी थोड़ी सी अच्छी से मैनेज हो गई है। देन हमने वहाँ पे दर्शन किए। इस दौरान ये हुआ कि हमें हमारे जितने भी दोस्तों के फ़ोन्स थे वो तो बंद हो चुके थे क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता। तो ये न्यूज़ मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली और मेरे रिलेटिव्स ने देखी जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंता और मैं आ गए कि आकाश कहाँ पर है। तो सब जगह कॉल भागा दौड़ी करना स्टार्ट किया कि हम तीनों का पता लग जाए कैसे भी करके, क्योंकि हमारे तक बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था किसी का भी। तो जब हम दर्शन करके नीचे आए और मैंने मैसेज डाला और न्यूज़ चैनल वगैरह पे मैंने देखा ये सब कुछ, तो मैं भी बिल्कुल शॉक हो गया कि एकदम से ये सब क्या हुआ। और फाइनली हम सेफ थे, ये मैं थैंक यू बोलता हूँ भगवान का कि हम तीनों सेफ थे। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपने दोस्तों का, फैमिली का और रिलेटिव्स का, जिन जिन्होंने मेरा साथ दिया उस टाइम पे या मेरी फैमिली को सपोर्ट किया और हमारे लिए खड़े रहे। ये सब मेरे बैकएंड पे हो रहा था कि मुझे और मेरे दोस्तों को, मुझे और मेरे फ्रेंड्स को उस समय कुछ नहीं पता था, बट मेरे रिलेटिव फैमिली और मेरे फ्रेंड्स कंटिन्यूसली मुझे कॉल कर रहे थे और हर जगह कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ से भी हमारा पता लग सके। तो उन सबको दिल से थैंक यू। दोस्तों तुम्हें जन्नत दिखाऊं? अभी दिखाता हूँ, ये देखो जन्नत। जय हो माता दी।
देखिए नजारा, भगत जन जुड़ते हुए यहाँ सुबह सुबह लाइन हो रही है। चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। यहाँ सारे ढाबे वगैरह और ये हमारी माता का दरबार। दोस्तों यहाँ पे हम प्रसाद खरीद रहे हैं, ये मेरे दोस्त प्रसाद लेते हुए। तो दोस्तों अब हम भैरव बाबा की चढ़ाई पे चल पड़े हैं माता के पास, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चढ़ाई और कठिन चढ़ाई बोली जाती है। जैसे आप देख सकते हैं ये रास्ता, तो दोस्तों ये है पीछे मिनी मेट्रो। तो पहले हम नीचे इससे आने वाले थे मिनी मेट्रो से, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा लाइन लगी हुई थी, इसलिए हमने जंगल का रास्ता इस कारण हम पीछे जंगलों में से आए। देखो ये रास्ता है, भैरव मंदिर की चढ़ाई हमने की है। ये देखो फिर से आ गई है, तो इसमें बहुत लंबी लाइन थी आज। ओ भाई, तो कैसे आयो? जंगल से आए। चल झूठा। तो पीछे हम जंगल से आए, और जो कि एक तरह से ट्रैकिंग भी हो गई और एक्सरसाइज भी हो गई। मैं अभी तुम्हें पीछे का नजारा दिखाता हूँ जरा। ये देखिए ये नीचे रास्ता दिख नहीं रहा मैं, और ये देखो दिख रहा है वो तो आपको वीडियो में रास्ता। और ये यहाँ से हम लटकते लटकते पेड़ों के सहारे लेते हुए यहाँ से हम लोग ने चढ़ाई चालू करी थी, वो जो आपको दिख रही है रोड। और यहाँ से होते हुए हम लोग अब पहुँच चुके हैं दूसरे पड़ाव पे। अब ये ऊपर ऊपर हम लोग चढ़ने वाले हैं यहाँ से आगे। कैसा लगा मेरा मजाक? तिवारी जी कुछ जादू दिखाना चाहते हैं, देखिए ये पकड़ना चाहते हैं बट ये पकड़ नहीं पाएंगे। देखो ये जो कि फेल हो चुके हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो दोस्तों फाइनली हम भैरव बाबा पहुंच चुके हैं और हम लाइन में लगे हुए हैं। देखिए बाकी लाइन लगी हुई है बहुत लंबी, हम सब लाइन में लगे हुए हैं। देखिए आप देख सकते हैं बहुत क्राउड है क्योंकि आज 1 जनवरी है। तो भैरव बाबा की चढ़ाई हो चुकी है हमारी, पीछे मंदिर है, मैं दिखा सकता नहीं था क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है। यही मंदिर है, देख सकते हैं। देखिए वैष्णो देवी दिखते हुआ दोस्तों, ये सामने है भैरव बाबा मंदिर जो हम इतना चढ़ाई करके आए हैं। और देखिए नज़ारा यहाँ का, आज बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे नज़ारा। और अगर आप चौपर से आओगे तो अगर आप नीचे देख सकते हो तो हेलीपैड है। और आप यहाँ देख सकते हैं स्नो गिरी हुई है। देखो हमें क्या पाया गया, हिरन। ये देखो आपको थोड़ा जंगल में जाते टाइम देखिए हेलीकॉप्टर लैंड होते हुए। सूर्या क्या हो गया? क्या हो गया, बस चढ़ाई कर ली है और मंदिर में होया है, अब नीचे चलने की तैयारी कर रहा। अच्छा वो तो तैयारी है, तो ये थक के बैठे क्यों हो? आयुष तिवारी ब्रांड जो है फोटो खिंचवाने के सेशन कर रहे हैं ना, उसका भी। अबे चलो बंदर आ गए। मौसम देख, मौसम ये मौसम ही है जिसके वजह से, ये देख जस्ट लुक एट इट।
just look at this and now this. गरम गरम हलवा माता रानी के दरबार में, तो हम हलवा खाते हुए आ जाओ दोस्तों, हलवा खा लो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। उतर चुके हैं अटकुआरी मंदिर के पास में, बस थोड़ा सा रास्ता और रह गया कटरा के लिए। ये माता का मंदिर और ये स्टार्ट, फाइनली हम नीचे आ चुके हैं। सो फाइनली ग्रेट सक्सेस, फाइनली